कालू चुलू कैसे देख रहा है इसको टकलू फोटो ले रहा है अपना टकलू फोटो ले रहा है अपना घुमाना भी जानते हैं उधर उधर घुमाया नहीं अभी अभी अपना ले रहा है रखते ना इसलिए काम नहीं करता आज आपसे कल चलाओगे ना उठाओ उठाओ अरे देख के देखिए गिरेगा हवा निकल गई कि नहीं आपकी बैठो यहाँ पे कैसे बैठूं कैसे उतना सामने ही ली है चलो चले हाँ चलो आज मासी ने मैगी पास्ता बनाया था लेकिन कोई खा क्यों नहीं पता नहीं आज वैसे जाना भी है ना घर और आकाश बाबू का आज लास्ट एग्जाम है और आज ही हम लोग घर वापस जाएंगे रौनक भी जाएगा हमारे साथ में लेकिन बोनू यहीं पे रहेगी शायद वो शादी टाइम में आ जाए बोनू पैकिंग कर लिए एग्जाम डन डन फ्रेश भी हो गए डन अब चलते हैं इसके घर क्योंकि आज इसके घर में खाने का निमंत्रण है यही बोलते हैं ना चलो फिर अब बनती मामा रायगढ़ में गए नहीं रायगढ़ साइड बोल रहा मामा बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है थोड़ा बहुत मतलब कि यहाँ तो मौसम क्लियर ही है ना लेकिन लग रहा है शाम तक गिर जाए ज़्यादा क्यों ऐसे भी अपन तो उसमें जाएंगे ना काश क्या बोलते हैं अबे मारुति में यहाँ से ओ आकाश जाना अरे जल्दी नहा गरम पानी मिलाएगा जा जा जल्दी आ खाओ लिटिल हर्ट्स खाओ खा रहा है अच्छा मुंह दिखा रहा है वो खा रहा होगा लो खा ले खाते भी तो खानदान का है खाते भी तो खानदान का है ना खाना भी खा लिया है फिर ये भी खा रहा है और मामा लोग क्या रिफर एंड अन कर रहे हैं जिसमें 60 रुपए मिलेगा तो 60 करोड़ 60 रुपए में हम लोग इतना बड़ा अमीर बन जाएंगे इन लोग खरीद लेंगे यही ख्वाब देखते देखते आदमी सीने में लग जाता है हमारे मालिक ख्वाब वाला पाउच में जा रहा है मामा क्या वजह पता है फोटो ही ले लेकिन नहीं बजे क्या अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:10 और हमारा खाना सब कम्प्लीट हो चुका है 6 बजे निकलेंगे मामा कितने निकलेंगे हम लोग कितने बजे निकलेंगे अरे यहाँ से 6 बजे निकलेंगे हम लोग और ये जाएगा घर जाएगा हाँ ये जाएगा यहीं रहेगा ठीक है यहीं रह जा तू तेरे होता है हाथ में तो ले ले पापा दादा तेरे से गिफ्ट है कटवा देंगे एक चेन कटवा दे पापा दादा तेरे से तेरे लिए गिफ्ट ठीक है थैंक यू बोलो ढीला ही होता है जीरा सोडा ना मैं तो डेयरी मिल्क ले आऊं पी लो चलो गाड़ी चल भैया ये तो मां का ही दुकान है देनी तो कहीं आज कमर में डाली तो इतना आराम लगा अभी बज रहे शाम की 5:30 थोड़ा सा लेट गया था मैं और अब जाने का समय आ चुका है यहाँ से मतलब कि कब आना होगा यहाँ पे फिर पता नहीं लेकिन ये लोग आएंगे ज़रूर शादी में बुरा तो लगता है इतने दिन रहो फिर जाओ क्योंकि यहाँ से जाने का मन नहीं करता बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आना कम होता है और जितने दिन में आना होता है उतने दिन पूरा मेमोरी बन जाता है और इस बार तो व्लॉग भी था ना हर चीज़ का तो हमारी पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है तो फिलहाल बस कुछ ही देर में हम लोग बस निकलने वाले यहाँ से
टाटा अरे कान दे रही कि नहीं को हाँ हेलो তার পাগলি গাছে যাবা ওখানে আবার আসবে তো এ আবার মানে इतने दिन रुके कर कैसे हुआ ना मेरे को लग रहा बनते हैं बेटा वही है शायद कितना बैग है हम दो हमारे दो जिनिस बैठेंगे ना जैसे आए तो वैसे ही जाएंगे बैठ सकता हूँ इधर तो साइड हो जाओ आकाश आकाश मेरे को नजर रखता है बन गया सबको लेट्स गो ए बाबू आयो बैठो बड़ा पेन उल्टी लग रहा है आकाश तू यहीं पर है आकाश इधर रहे आयुष बस रहे तेरा वो बस छोटू वाला बैग है ना छोटू वाला बैग है बस ये बाबू बस बैठ तो बाबू बस आयुष बस आयुष को उधर तो है ना आयुष के साथ रहे आयुष के दीदा दीदा का देखना लगे कुछ ज्यादा ही है इस बार दादा खाबो अलग से ओ भाई चौमिन लाया है बाबू और अपने पास आलू भुजिया और रोटी हाँ डाल दो कोई दिक्कत नहीं